नमस्कार, हिमाचल दस्तक दिन भर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं प्रदेश भर की कुछ बड़ी खबरों पर। कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगी बंदिशें। 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगी बसें। कोरोना के कहर को देखते हुए हिमाचल में बड़ी बंदिशें, शादियों पर 50 लोगों की शर्त लागू। शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं, सरकारी दफ्तरों में 5-day week। ट्रक धंसने से हरिपुर कुपवी सड़क 8 घंटे रही बंद, राहगीर हुए परेशान। लॉकडाउन पर फैसला 22 को, कैबिनेट में होगा मंथन। अष्टमी पर लोगों ने घरों में किया कंजक पूजन, मंदिर सुनसान, कोविड के चलते नहीं दिखी चहल पहल। जिला ऊना में 22 से नई पाबंदियां, संडे को बाजार बंद, धार्मिक सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों पर भी रहेगी रोक। प्राइवेट स्कूल ने माफ कर दी बच्चों की फीस, फीस विवाद के बीच आनी का दिव्य लोक पब्लिक स्कूल बना मिसाल। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कांगड़ा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपायुक्त राकेश प्रजापति ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए ये बंदिशें जारी की गई हैं। राकेश प्रजापति ने बताया कि रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये बंदिशें जारी रहेंगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि वे COVID-19 एडवाइजरी का पालन करें, ताकि वे खुद भी सुरक्षित रह सकें और परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को लेकर सरकार ने पहले ही फैसला ले लिया है। उन्होंने बताया कि 1 मई को पुनः समीक्षा की जाएगी। सीएम ने कहा कि सोमवार को राज्य में कोरोना के 1700 नए मामले सामने आए थे, इनमें से 13 लोगों की मौत भी हो चुकी थी। इसी को देखते हुए सरकार ने बंदिशें लागू की हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बंदिशें बढ़ा दी हैं। प्रदेश सरकार ने अब शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की कड़ी शर्त लगा दी है। शादी समारोह में अब 50 से ज्यादा लोग हरगिज शामिल नहीं हो पाएंगे। COVID-19 की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने ये साफ किया है कि शादियां चाहे बाहर हों या भीतर, केवल 50 लोगों को ही इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कोरोना को देखते हुए राज्य में अब 5 दिन के वर्किंग दिवस होंगे। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी से ये साफ जाहिर है कि राज्य में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि सरकार ने बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों के लिए कोई बंदिशें नहीं लगाई हैं, लेकिन वे धीरे धीरे इस तरफ बढ़ रहे हैं कि ऐसे लोग संक्रमित राज्यों से आ रहे हैं तो वे खुद को होम क्वारंटाइन कर लें। संगड़ा उपतहसील मुख्यालय हरिपुर से कुब्बी जाने वाली सड़क पर एक ट्रक फंसने से करीब 8 घंटे बंद रही। जानकारी के अनुसार LPG की गाड़ी पुलिया निर्माण के लिए की गई खुदाई के चलते सड़क के बीचों बीच धंस गई। गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंगलवार सुबह पंच भैया के समीप ट्रक फंसने से 100 के करीब वाहन जाम में फंस गए, जिसमें कुछ लोग बीमार भी थे जो शिमला और सोलन जा रहे थे। सैकड़ों लोगों को इस जाम के चलते परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों ने सड़क निर्माण कार्य में कोताही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ काफी रोष जताया है। ग्रामीणों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा रात को पुलिया दबाने का काम किया जा रहा है तथा पुलिया का काम अधूरा छोड़ने से बार बार ऐसी समस्याएं पेश आ रही हैं। हिमाचल में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला 22 अप्रैल को हो सकता है। 22 अप्रैल को प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी है। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आने वाले दिनों में प्रदेश में लॉकडाउन होगा या नहीं। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि 23 अप्रैल के बाद धार्मिक संस्थानों को लेकर भी कुछ बंदिशें बढ़ाई जा सकती हैं। मंगलवार को चैत्र नवरात्रि के अष्टमी पूजन पर लोगों ने घर पर ही कंजक पूजन किया। इस दौरान उत्तर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मां चिंतपूर्णी के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की गई। दोपहर के समय मां का सिंगार, कंजक पूजन और नारियल की बलि दी गई। वहीं मां की आरती, कंजक पूजन और विशेष व्यंजनों से मां को भोग लगाया गया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की मात्रा भी काफी कम रही। जहां मां के दरबार में इन चैत्र नवरात्रों में चहल पहल बनी रहती थी, लेकिन इस बार COVID-19 के चलते मंदिरों में सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का श्रद्धालुओं की ही मंदिर परिसर या बाजार में आवाजाही देखी गई। जिला ऊना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद 22 अप्रैल से नई पाबंदियां लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने कहा कि नए आदेशों के अनुसार रविवार को जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, लेकिन दवा दुकानों, होटल, ढाबों और रेस्तरां पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दूध, डेयरी, फल, सब्जी तथा मीट की दुकानें भी रविवार के दिन प्रातः 7 बजे से सायं 8 बजे तक खुली रह सकती हैं।
इसके अलावा बार्बर शॉप्स व सैलून भी रविवार के दिन खुले रहेंगे। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन ने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद व अन्य सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। सिर्फ विवाह आदि कार्यक्रम का आयोजन एसडीएम की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। एक और जहां प्रदेश भर में कई नामी निजी स्कूलों द्वारा कोरोना काल में पूरे फंड्स की वसूली का लगातार विरोध हो रहा है और उंगलियां उठ रही हैं, वहीं कुल्लू जिला के उपमंडल मुख्यालय आनी स्थित एक प्राइवेट स्कूल ने स्कूल में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं से कक्षाएं सुचारू रूप से न लगने तक किसी भी प्रकार की कोई भी फीस या अन्य चार्जेस न वसूलने का निर्णय लिया है। और ये स्कूल है दिव्यलोक पब्लिक हाई स्कूल आनी। इतना ही नहीं, स्कूल के सभी छात्र छात्राओं की 1 अप्रैल के बाद फीस माफ कर दी गई है। इस बारे में हाई स्कूल के मुख्य संयोजक एवं सचिव गुलाब ठाकुर ने बताया कि फीस और अन्य चार्जेस को लेकर उन्होंने स्कूल प्रबंधन और स्टाफ के साथ मिलकर बैठक में चर्चा की, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि जब तक स्कूल में सुचारू कक्षाएं नहीं लग जाती और जब तक भी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई चलती रहेगी, तब तक स्कूल प्रबंधन किसी भी प्रकार की फीस बच्चों या उनके अभिभावकों से नहीं वसूलेगा, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की अप्रैल माह की फीस भी माफ कर दी गई है। स्कूल प्रबंधन के इस फैसले की सभी अभिभावकों समेत क्षेत्रवासियों ने प्रशंसा की है।